हाय माय डियर स्टूडेंट, आइए गाइस, आप लोग को आज मैं एक नया गाइस सेंटेंस पढ़ाता हूँ, हैबिट सेंटेंस गाइस। ओके, हैबिट सेंटेंस मीन्स क्या होता है गाइस? आदत वाक्य गाइस। इसमें क्या होता है, आदत गाइस एक्सप्रेस करते हैं ना। हाँ गाइस, स्टॉप गाइस, ये देखिए गाइस, ये हैबिट सेंटेंस गाइस अलग है गाइस। ओके, ये गाइस जो हैबिट सेंटेंस है वो थर्ड वाला हैबिट सेंटेंस है गाइस। कौन सा गाइस? थर्ड हैबिट सेंटेंस। इसके पहले मैंने आप लोग को दो हैबिट सेंटेंस पढ़ा दिए गाइस, जिन्होंने नहीं पढ़े गाइस, पहले डिस्क्रिप्शन से गाइस लिंक आपको मिल जाएंगे, उसके बाद गए आप गए सेकेंड पढ़ के, उसके बाद इस वीडियो को गए देखिए गए। ओके, तो चलिए गए, जिन्होंने गेस देख लिया आगे देखते हैं गए सिंटैक्स गए इसका क्या होगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि सिंटैक्स हम लोग को जानना, तो इसका सिंटैक्स होगा गई, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करना होगा, उसके बाद शुड और निगेशन के लिए क्या यूज़ करेंगे, शुड गेज। ओके, उसके बाद डेवलप, उसके बाद द हैबिट ऑफ और वर्ब में आएंगे, और लास्ट में गेस क्या रखेंगे, अदर गेस। ओके, तो एक बार सिंटैक्स फिर से देख लेते हैं गाइस। सिंटैक्स क्या होगा गाइस इसका गाइस? सबसे पहले सब्जेक्ट शुड और नेगेशन के लिए शुड का यूज, डेवलप द हैबिट ऑफ गाइस, वर्ब में आएंगे, और लास्ट में गाइस अदर गाइस। ओके, चलिए गाइस सिंपल हम देखते हैं गाइस, क्योंकि गाइस सबसे इंपॉर्टेंट होता है गाइस सिंपल हम जानना, पहचान जानना, तभी ना सिंटैक्स का यूज करेंगे। तो देखिए गाइस सिंपल हम गाइस क्या होता है इसका, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आता है, कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है, फिर गाइस वर्ब होगा और वर्ब में ना यानी यानी जुड़ा होगा। ओके, उसके बाद गाइस की आदत डालनी चाहिए। ओके, जैसे कहते हैं यार तुमको पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, या आप सबको रोज़ सुबह जगने की आदत डालनी चाहिए, हम सबको इंग्लिश बोलने की आदत डालनी चाहिए, ऐसे सेंटेंसेस गाइस जब आते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, फिर शुड और निगेशन के लिए शुड का यूज़ करेंगे, डेवलप द हैबिट ऑफ वर्ब में आएंगी, और लास्ट में गाइस अदर जो होगा उसको रख देंगे गाइस। ओके, चलिए गाइस चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, कैसे सेंटेंसेस हम लोग गाइस बोलते हैं इस वाक्य में गाइस वो पढ़ते हैं गाइस। ओके, एग्जाम्पल देखिए गाइस, क्या सॉरी आप सबको नम्र भाव से बोलने की आदत डालनी चाहिए, आप सबको नम्र भाव से बोलने की आदत डालनी चाहिए गाइस। तो सबसे पहले हम लोग गाइस क्या लगाएंगे, आपको बताया हमने गाइस, सबसे पहले आपको लगाना होता है गाइस सब्जेक्ट गाइस। ओके, तो गाइस सेंटेंस में गाइस सब्जेक्ट क्या है, क्या है पहले देखिए गाइस, तो सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट गाइस क्या है, आप सबको इंग्लिश गाइस क्या होती है, यू ऑल, उसके बाद गे शुड या तो सुंड लगाना है आपको, तो निगेशन है नहीं, इस वजह से हम लोग इसका यूज करेंगे शुड। ओके, यू ऑल शुड, इसके बाद गे इसके लाएंगे डेवलप द हैबिट ऑफ, नम्र भाव से बोलना, स्पीक वर्ब होता है गेस, और स्पीक में वर्ब, ये वर्ब गे स्पीक है ना, स्पीक, और स्पीक में हम लोग इसका यूज करेंगे आई एन जी स्पीकिंग, और गेस नम्र भाव से है ना, क्या यूज करेंगे, पोलाइट। तो क्या बोलेंगे, यू ऑल शुड डेवलप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग पोलाइट गेस, आप क्या बोलेंगे, यू ऑल शुड डेवलप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग पोलाइट गेस। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, उसे इंग्लिश बोलने की आदत डालनी चाहिए गेस। तो गेस सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे ही, उसके बाद शुड के बाद हम लोग इसके क्या करेंगे, डेवलप द हैबिट ऑफ इंग्लिश बोलना, स्पीक होता है गाइस, स्पीक में आई एन जी हम लोग इस लगाएंगे स्पीकिंग, और गाइस अदर वर्ड क्या बच रहा है गाइस, इंग्लिश। तो गाइस यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश गाइस। ओके, लास्ट सेंटेंस है हम लोग का गाइस, लास्ट सेंटेंस हम लोग का क्या है गाइस, आप सबको देर तक पढ़ने की आदत डालनी चाहिए गाइस, आप सबको देर तक पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। तो गाइस सबसे पहले हम लोग गाइस क्या करेंगे, आप सबकी इंग्लिश गाइस क्या होती है, यू ऑल शुड, उसके बाद गाइस क्या लिखना है, डेवलप द हैबिट ऑफ, ये आपको हमेशा याद रखना है, डेवलप द हैबिट
ऑफ गेस, ओके। उसके बाद वर्ब में आएंगे, वर्ब क्या है इसमें, पढ़ने की आदत डालनी चाहिए गेस। यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग लॉन्ग टाइम या लॉन्गर, तो क्या लेंगे, यू ऑल शुड डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग लॉन्गर गेस, ओके। यू ऑल्सो डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग लॉन्गर गेस, ओके गेस। तो इसे गेस, ऐसे गेस सेंटेंसेस को बोलते हैं गेस, ओके। आई स्टूडेंट्स, ये देखिए गाइस, कुछ सेंटेंसेस मैं आप लोग को देता हूँ, इसे ट्रांसलेट करके गाइस आप लोग गाइस कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा गाइस, और कोई भी प्रॉब्लम हो गाइस उसे भी गाइस कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ओके। तो देखिए गाइस, पहला गाइस सेंटेंस है, क्या मुझे झूठ बोलने की आदत डालनी चाहिए, क्या मुझे झूठ बोलने की आदत डालनी चाहिए गाइस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कर लेंगे ना। क्या होता है कि इसकी हेल्पिंग ऑफ सबसे पहले यूज़ होता है जब भी गाइस क्या सब सेंटेंस की स्टार्टिंग होता है, ये तो आपको मैंने बता ही दिया है। तो इसमें हेल्पिंग ऑफ शुड शुड था, इस वजह से सबसे पहले शुड का यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब सॉरी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद का इसका यूज़ करेंगे डेवलप द हैबिट ऑफ, उसके बाद वर्ब में एनजी और लास्ट में गाइस अदर रखेंगे, ओके। सिंपटम सेकेंड है गाइस, आप सबको सुबह जल्दी जगने की आदत डालनी चाहिए। थर्ड वन है, उसे फ़ोन चलाने की आदत नहीं डालनी चाहिए। सचिन को क्रिकेट खेलने की आदत डालनी चाहिए गाइस, ओके। तो गाइस आप लोग गाइस डेली लास्ट तक वीडियो देखा कीजिए गाइस, और कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे गाइस कमेंट बॉक्स में डाला कीजिए गाइस, ताकि मैं आप लोग की गाइस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँ। और गाइस देख के आप लोग एग्जाम्पल जरूर ट्रांसलेट करके गाइस सेंड किया कीजिए, ताकि गाइस मैं जान सकूँ गाइस आप लोग कितना स्टडी कर रहे हो, ओके। क्योंकि गाइस मैं आप लोग के लिए ही गाइस वर्क कर रहा हूँ ना इस लॉकडाउन में, गए सभी बच्चे परेशान हैं, इस वजह से आप लोग के लिए गेस हमने वीडियो डाली है गेस, ओके। और गेस इसे गेस शेयर भी करते रहिए अपने फ्रेंडों में, ताकि गेस अदर स्टूडेंट आपके फ्रेंड्स जो हैं वो भी गेस इस वीडियोस के बेनिफिट लें, वो भी गेस इंग्लिश बोलें, ओके। और उनसे भी गेस बोलिए कि हमारे गेस चैनल्स को सब्सक्राइब करें, ताकि उन्हें भी गेस न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहें, ओके। और आप भी गेस अगर आपने सब्सक्राइब अभी नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, और बेल आइकन रिंग कर दीजिएगा, और अच्छा लगे वीडियो गाइस तो लाइक भी कर दीजिएगा प्लीज़, ओके।